तो क्षत्रिया का खाना ही मांसाहारी होता है। लाखों करोड़ रुपया अगर अयोध्या में खर्च हो रहा है तो उससे कितने लोगों की शिक्षा हो जाती है। इस रामलला की लड़ाई पर, मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है? मैं दिग्विजय सिंह की पूछ रहा हूँ, जब आपको इस बात की जानकारी कर लेनी चाहिए थी, दिग्विजय सिंह रत्नाकर सिंह तो आए नहीं, 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं और वो कहते हैं कि हम तो खुद हमारे तो राम अंदर बसे, तो उनको ये पता नहीं थी कि 2 मूर्तियां होंगी, एक अचल मूर्ति होगी, एक उत्सव मूर्ति होगी। चलिए शुरू करते हैं। इस रामलला की लड़ाई पर, मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है? जनता माफ नहीं करेगी। राव साहब, मैं अगर इसको अभिव्यक्ति की एक मूर्खतापूर्ण अभिव्यक्ति भी मान लूं, तो भी मैं ये नहीं समझ पा रहा कि ऐसा साहस या ऐसी चेतना दूसरे धर्मों के लिए कभी नहीं दिखाई किसी बयानवीर ने। जितनों को हमने उदाहरण दिए, बीके हरिप्रसाद, दिग्विजय सिंह, जितेंद्र दवार, उबैसी, जो भी जितने भी नाम हमने दिखाए यहां, वो भाषा शैली देखिए, ऐसा लग रहा अंदर तेजाब भरा है मंदिर के लिए, राम के लिए। राम क्या खाता था? राम खाता था ये भाषा, ऐसी भाषा वो दूसरे धर्म के लिए बोल सकते हैं, उसके किसी प्रवर्तक के लिए? और बोल देंगे तो साबुत रह सकते हैं क्या रावत साहब? अमिताभ जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, अगर बोल देंगे तो सर तन से जुदा, 30 साल बाद सलमान रश्दी के ऊपर छुरे लगे जाकर के, यानी भूलते नहीं है वो लोग, अपमान सह नहीं सकते, और कोई भी अपमान सह नहीं सकता। जब आस्था के साथ अगर खिलवाड़ होता है तो अपमान असहनीय हो जाता है, आस्था चाहे मुसलमान की हो चाहे हिंदू की। अगर यही भाषा इस्लाम या ईसा के खिलाफ बोल दी जाती तो सर तन से जुदा के नारे लगते और शायद इनके ऊपर फतवा जारी हो जाता, और शायद ये भी कहीं ना कहीं चुपचाप नूपुर शर्मा की तरह कहीं किसी बिल में घुस करके बैठ जाते। ना, ये तो पता ही कंबल ओढ़ लेते ऊपर तक, मुंह तक, ताकि चेहरा ना कोई देख ले मारे डर के। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने रत्नाकर सिंह जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि भाई चलो कम समझदार लोग कहें, दिग्विजय सिंह तो पुराने चावल है, सब जानते हैं खेल को, ठीक 10 साल मुख्यमंत्री रहे, और अभी बहस करोगे तो कहेंगे हम सारे सबसे ज्यादा कोई पूजा पाठ जानता है क्या? तो जब पूजा पाठ का वो इतना क्लेम भी करते हैं कि हमसे ज्यादा कौन पूजा पाठ जानता है, तो उनको तो पता होनी चाहिए कि एक उत्सव मूर्ति है, एक अचल मूर्ति है। और दूसरी बात, 500 वर्षों में कभी भी रामलला की मूर्ति का विवाद नहीं रहा अयोध्या, राम के जन्म स्थान का विवाद रहा है, मूर्ति और फोटो का विवाद नहीं रहा, ना अदालत में ना अदालत के बाद। फिर ये नया राग क्यों छेड़ा गया रत्नाकर जी? अमिताभ जी कि देखिए, प्रश्न उठाना तो हमारा काम है, जरूर हम प्रश्न उठाएंगे, अगर कहीं पे भी धर्म के आचरण से अलग कुछ आचरण किया जाएगा तो हम प्रश्न उठाएंगे, भले ही उसके लिए कोई धर्मगुरु हमें हिंदू विरोधी करार दे, राम विरोधी करार दे, लेकिन धर्म के आचरण के विरुद्ध अगर कोई कार्य किया जाएगा हम प्रश्न उठाएंगे। अभी हमारे ऊपर तो आप आलंकरण लगा सकते हैं चीजों को, लेकिन आप वहीं पे दो शंकराचार्य, थोड़ा समय दीजिएगा, मैं डिटेल में बताऊंगा। नहीं नहीं, मैंने देख मैंने शंकराचार्य की बात हम शंकराचार्य से कर लेंगे, उनकी पैरोकारी आप मत करो। मैं दिग्विजय सिंह की पूछ रहा हूं, जब आपको इस बात की जानकारी कर लेनी चाहिए थी, दिग्विजय सिंह रत्नाकर सिंह तो आए नहीं, 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं और वो कहते हैं कि हम तो खुद हमारे तो राम अंदर बसे, तो उनको ये पता नहीं थी कि 2 मूर्तियां होंगी, एक अचल मूर्ति होगी, एक उत्सव मूर्ति होगी। उनको तो मंदिरों का विधान पता होना चाहिए ना, जो शोभा यात्रा में जाएगी मूर्ति, अचल मूर्ति तो उखाड़ के शोभा यात्रा में जाएगी, जाती नहीं है, ये बात पता नहीं थी क्या उनको? और तो फिर उन्होंने नया बखेड़ा क्यों खड़ा किया? शंकराचार्य अपने में सक्षम है निपटने के लिए, आप उनकी पैरोकारी मत पढ़ो, आप दिग्विजय सिंह की जिम्मेदारी लो भाई जी। शंकराचार्य ने क्या कहा राम मंदिर के संदर्भ में, ये भी उतना ही आवश्यक है जितना एक अनर्गल कोई अगर बात कहता है और उस पर चर्चा होती है, क्योंकि देश में हिंदुओं, हिंदू धर्म के रक्षार्थ ये शंकराचार्यों का पीठ बना और शंकराचार्य नियुक्त हुए, और शंकराचार्य आज भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या कह रहे हैं और मंदिर के आचरण के बारे में क्या कह रहे हैं, वो भी देश की जनता को जानना जरूरी है। मैंने रत्नाकर दोबारा में आगे तब दोबारा में अभी दिग्विजय सिंह को डिफेंड कर लो, रत्नाकर जी अभी दिग्विजय सिंह को डिफेंड कर लो, शंकराचार्य सक्षम है, दिग्विजय ने अभी रुक जाओ, आपको इतना समय दिया, आप इधर उधर घूमते रहे, मैंने स्पष्ट मैंने सीधे दिग्विजय सिंह की बात पूछी थी, आप शंकराचार्य पहुंच गए, अभी रुक जाओ, मोदी के बारे में क्या कहा, अभी रुक जाइए, बताएंगे, बिल्कुल बताइएगा, अभी दोबारा भाई दोबारा अवसर मिलेगा, आपसे ज्यादा बड़ा दायरा है शंकराचार्य का है, उनके बोलने से ही उनकी बात पहुंच जाती है, लोगों को पता चलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी। अरे भाई आप बताओगे शंकराचार्य की बात तब पता लगेगा, गजब बात है, ठीक देश ठीक है रत्नाकर जी, रुकना होगा, देश का ऐसा कौन सा शंकराचार्य है जिसको कांग्रेस के प्रवक्ता की जरूरत पड़े? नहीं ना, उनका बोलना वैसे ही देश सुनता है, कोई कांग्रेस पार्टी रिलीज जारी करेगी तब सुना जाएगा, मक्का के इमाम की बात तब सुनी जाएगी जब वो वैसी चिट्ठी लिखेंगे, गजब करते हो, अरे अपना घर देख लो यार, इतने भी बड़े ना हो जाओ,
कि शंकराचार्य के लिए पैरवी के लिए हम निकले हैं। शंकराचार्य बोलते हैं देश सुनता है भाई, बड़ी मूर्तियां हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह क्या है ये तो सवाल आपसे पूछा जाएगा ना। आप दिग्विजय सिंह की जिम्मेदारी लो, आप निश्रानंद जी महाराज की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकते ना। क्या लालू प्रसाद यादव या उनके पुत्र किसी बड़ी मस्जिद के लिए ये कह सकते हैं कि इस मस्जिद को बनाने में रुपया क्यों लगाया गया? नहीं ना। तो राम के मंदिर में तो रुपया सरकार ने लगाया नहीं, और ना लालू जी ने चंदा दिया, वो भी नहीं दिया, कोई दान भी नहीं दिया। तब वो ये सवाल कैसे पूछ रहे हैं कि भाई क्यों लाख वहां करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है? वो तो जनता ने पैसा दिया, सरकार का पैसा तो नहीं। सरकार अपने पैसे से स्कूल, अस्पताल, पुल, सड़क सब बनवाए, और नहीं तो ये सवाल मस्जिद मंदिर के लिए पूछा जा रहा है तो मस्जिद के लिए भी पूछा जाए और चर्च के लिए भी पूछा जाए। लालू जी का परिवार मैदान में आया है, तेजस्वी बाबा कह रहे हैं कि मंदिर में रुपया क्यों लगाया, मंदिर से रोटी मिलेगी। अब उनको ये पता नहीं, शायद ज्ञान कम है, कि मंदिर से रोटी भी मिल रही है, मुफ्त में भी मिल रही है और रोजगार से भी मिल रही है। मैं उदाहरण दे सकता हूं, डाटा दे सकता हूं, आंकड़े दे सकता हूं। और तेजस्वी यादव की समझ के लिए एक बात कह के आपसे एक सवाल पूछूंगा। भारत में बड़े हिंदू मंदिरों के चलते 5 करोड़ लोगों को सीधा रोजगार मिला है, यह तेजस्वी यादव को समर्पित है जानकारी, और तेजस्वी यादव के जरिए इंडिया अलायंस के नेताओं को समर्पित है जानकारी। 5 करोड़ लोगों को सीधा रोजगार बड़े हिंदू मंदिरों के जरिए मिला हुआ है, ये जानकारी दुरुस्त कर ले सारे नेता बोलने से पहले, नहीं तो अपमानजनक स्थितियां उनके लिए पैदा होती रहेंगी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दोस्तों, ये लोगों को कौन सा हिंदू वोट देगा राम के बारे में मांस खाने की घिनौना बातें सुनने के बाद। लेकिन मुझे पता है फिर भी इन लोगों को कुछ स्वार्थ हिंदू के वोट मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों, वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं, एंड अमिताभ जी के साथ सहमत है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाना। इसके अलावा अपना कोई दूसरा राय है वो भी जरूर लिखना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक, एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।